सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी व्हाट कश्मीरीज थिंक ऑफ चंद्रयान 3 इन ब्यूटीफुल मशहद सेक्टर ऑफ कुपवाड़ा। आइए मिलके देखते हैं जबरदस्त वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कश्मीर जन्नत नजीर, क्या बात है जी कश्मीर की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका मेरे चैनल पर। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो किसी चांद से कम नहीं है। जी हां, चंद्रयान पे हमारा तिरंगा पहुंच गया और मैं भी एक ऐसी जगह पहुंच गई जो चांद जैसी है और यहां भी तिरंगा है, पूरे 100 फीट का तिरंगा। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं इसको हम नाज़े हिंद कहते हैं और ये 4 तिरंगों की ग्रुप में से एक है। वो 4 तिरंगे शान ए हिंद, रूह ए हिंद, परचम ए हिंद और एक ये नाज ए हिंद। अब ये नाज ए हिंद जो है ये मछल सेक्टर में मौजूद है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के और मैं यहाँ आ पहुँची हूँ। मैंने सोचा कि आपको मैं कश्मीर का एक ऐसा नज़ारा दिखाऊँ जो आज तक शायद आपने जिस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ, जब भी आप कश्मीर आते होंगे आप वही गुलमर्ग और वही पहलगाम जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ शमशाबारी रेंजेस, ये माउंटेन रेंजेस जो हैं वो गुलमर्ग के पीर पंजाल से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। 11,000 स्क्वायर फीट अबव सी लेवल पे हूँ मैं इस वक्त। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर पीर पंजाल हमारे कश्मीर को साउथ से प्रोटेक्ट करता है तो ये शमशाबारी रेंजेस जो है हमारे कश्मीर की हिफाजत करते हैं नॉर्थ और वेस्ट से। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा ना कि आप यहाँ आएंगे, लेकिन ये खूबसूरत नाज़े हिंद 100 फीट का तिरंगा जो मेरे पीछे है इसकी वजह से आप यहाँ ज़रूर आएंगे। ये कश्मीर के लिए एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन हो गया है, रन ऑफ द मिल डेस्टिनेशन नहीं जहाँ हर कोई जाता है, जहाँ सारे टूरिस्ट जाते हैं। ये वैसा डेस्टिनेशन नहीं, ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो खूबसूरत नाज़े हिंद है ये किन की याद में बना है। तो ये जो खूबसूरत नाज़े हिंद है ये किसकी याद में बना है इसके बारे में मैं आपको पहले इतला कर दूं। कर्नल जोजन थॉमस, जो यहाँ पर 3 फॉरेन टेररिस्ट से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने उन तीनों फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया। उनके साथ ही साथ नायक नीरज, उनकी याद में भी ये बना है। नायक नीरज भी 2 टेररिस्ट से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने भी शहादत से पहले उन टेररिस्ट को यानी कि मुल्क के दुश्मनों को मार गिराया था। और उन्हीं की याद में ये खूबसूरत नाज़े हिंद बना है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत 100 फीट का नाज़े हिंद। ये यहाँ पर जो है एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बनी है, सेल्फ़ी वॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेल्फ़ी वॉल है। और वहाँ पर एक खूबसूरत सा गोल्डन अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये जो है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है जहाँ आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं और अपनी हिस्ट्री के बारे में पता भी कर सकते हैं। ये मेरे पीछे जो है ये गजीबो जैसा ये एक व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ से आप इस खूबसूरत शमशाबारी वादियों की नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहीं पर नीचे एक लॉगहुड कैफ़े भी आ रहा है जो एक महीने में तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पर कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले लेकर आप इन खूबसूरत वादियों को इन्जॉय कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत हिस्ट्री के बारे में आप सोच सकते हैं कि कितने शहीदों ने अपनी जान दे दी इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। आइए हम यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं उनसे कुछ बातचीत करके देख लेते हैं, उनको ये भी पूछ लेते हैं कि अभी अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रयान हमारा तिरंगा मून के साउथ पोल तक ले गया उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम,
जी आप लोग बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं कि हम बहुत सारे लोग आए, स्कूल के बच्चे आए, काफी सारे अच्छा लगा। आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं? जी सर। अच्छा, आप ये बताइए आपकी जो ये जगह है ये इतनी खूबसूरत है, चांद से कम नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे चंद्रयान का मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, कामयाब हो गया, वहाँ पर चांद पे हमारा तिरंगा पहुँच गया, और आपकी चांद जैसी जगह पे यहाँ पे 100 फीट का तिरंगा है। पहले आप बताइए कि चंद्रयान को लेके आप क्या सोचते हैं? तो उसका मिशन जो कामयाब हुआ वो हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में फर्स्ट बार जो है कामयाब हुआ वो हम सब की कामयाबी है, उसके लिए उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है चंद्रयान के बारे में? चंद्रयान के बारे में बहुत अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क इससे आगे जाए और इससे भी आगे आगे जाए, ताकि हमारे मुल्क जो हिंदुस्तान है ये जैसे आगे बढ़ रहा है, इस वक्त हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारा हिंदुस्तान सबसे आगे रहे। इंशाल्लाह। तो अगर लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आएँ आपके इस इलाके में, यहाँ पे मुझे तो कोई होटल्स खास दिखे नहीं, मैं भी किसी के घर में रह रही हूँ, तो आप बताइए कि टूरिस्ट अगर आएंगे तो कहाँ रहेंगे? होम सिटी रखी है उनके लिए, हमने घरों में दो दो रूम जो है ना मेहमानों के लिए तैयार किए हैं। हम चाहते हैं कि अगर पूरा मुल्क आ जाए उनके लिए हम तैयार हैं। नहीं, हमने किया इससे पहले, जो भी लोग आए हैं, मौलवी साहब लोग आए, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, परिवार लेके आए, दो बार आए हैं यहाँ पे, तो उनके टाइम पे हमने जो उनकी खातिरदारी की है वो अभी भी याद करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी आए, हमारे देश का खुली जगह है, हम दिल से उनको वेलकम करते हैं। और वैसे भी मस्जिद का नाम है मोहब्बत, और मोहब्बत से हम उनको पेश आएंगे। एक बार तो आइए ज़रूर, आप आए तो आने का बहार आएगा, वरना तो उम्र आने का ख्याल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। आप अपनी वादियों के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कि लोग यहाँ क्यों आए? यहाँ पे जो हमारा इलाका है साफ सुथरा इलाका है, खुदा खास किसी किस्म का कोई यहाँ पे कोई खतरा नहीं है या कुछ नहीं है। और जो भी लोग आए आप देखिए क्या कैसे साफ सुथरा माहौल है, पानी है, घूमने फिरने की जगह, पानी और हवा की तो यहाँ बात ही कुछ और है। इतना साफ पानी, इतनी साफ हवा है यहाँ पर, मतलब ये इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो तो आपको यहीं आना चाहिए, आप क्या बोलते हो? 1-2 महीने यहीं आओ, बुक लिखो अपनी, आराम से सुकून में। यहाँ पर कितनी सुकून की नींद लगती है। कल मैं यहाँ पे इतने अच्छे हम अच्छे से यहाँ पर रह रहे, हम मच्छर में खुदा खास किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो भी आना चाहिए, हमने होम स्टे बिल्कुल रखा है, तैयार करके रखा है, तो हमारे हम बहुत उनको मोस्ट वेलकम करते जो हमारे इस मच्छर में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप यहीं के लोकल हैं? मैं यहीं का लोकल हूँ, मैं जटगली के मोत्सिल रहता हूँ। मून के साउथ पोल पे हमारा तिरंगा पहुँच चुका है, आपको कैसा महसूस हो रहा है एज अ कश्मीरी एंड एज एन इंडियन? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कई देशों ने चांद को अपने झंडे पे सजा के रखा है, लेकिन हमारा तिरंगा वो तिरंगा है जो कि चांद पे सजा के रखा है। माशाल्लाह, क्या बात कही है। तो इसलिए मैं अपने वतन के बारे में ये बोलता हूँ कि जो ये हमारा वतन है, खासकर जो अपना वादी कश्मीर है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको बोलते हैं कि तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जबां को जिस पे आए तेरा नाम। माशाल्लाह। तो बाकी हम यहाँ फुल फैमिली घूमने के लिए आए। वो सारे आपकी फैमिली है वहाँ पे जो सेल्फीज ले रहे हैं? बिल्कुल, वो हमारी फैमिलीज है वहाँ पे। ये छोटी बच्ची मेरी साथ है जिसने अपना सीने पर तिरंगा सजा के रखा है। इधर आ जाओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताओ बेटा। इरम अमान। इरम, इतना खूबसूरत नाम है। इरम, एक मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे जो जम्मू कश्मीर की रियासत का एक हिस्सा आपको पता है ना, पाकिस्तान के पास है, वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं ना इरम, उनको जन गण मन नहीं बोलने आता। आप उनको बोल के सुनाओगे? जी बताओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत, भाग विजेता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल वंगा, तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे गाय तव अगाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत, भाग विजेता जय हे जय 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 हे। थैंक यू इरम। तो आई होप कि हमारी रियासत का एक हिस्सा जो वहाँ पर है, वहाँ के बच्चों ने सीख लिया होगा, उनको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चांद तक पहुँच गए तो वहाँ तक पहुँचना वाली कोई बड़ी बात नहीं है, और वो जल्दी हो जाएगा।
तो अभी से सीखना और प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हैं, उनसे भी पता करते हैं चंद्रयान के बारे में वो क्या सोचते हैं और अपनी इस खूबसूरत जेड गली मछल सेक्टर के नाज़े हिंद के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आप सब पहले मुझे ये बता दो और हमारे व्यूअर्स को भी बता दो कि चंद्रयान के बारे में आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमारा देश जो है उन चार देशों में से है जिसका स्पेसक्राफ्ट मून पे पहुंच चुका है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, जोर से बोलो। अच्छा। इनको अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, फकर लग रहा है। यस सर। अब मुझे आप बताओ कि ये जो चंद्रयान है वो हमारा तिरंगा तो मून पर ले गया, लेकिन इस मून जैसी जगह पे, धरती पे जो चांद है, ये जेड गली का जो एरिया है मछल सेक्टर पे, यहाँ पे ये 100 फीट का तिरंगा है, इसकी शान में आप लोग जन गण मन गा सकते हो उसी तरह जैसे इरम ने अभी गाया, लेकिन आप लोग इसको सुर में गाओ जोर से। माशाल्लाह। अब लास्ट में एक चीज़ करते हैं जो हमारे देश के शहीद हैं कर्नल जोजिन थॉमस और नायक नीरज, जिनकी याद में ये खूबसूरत नाज़े हिंद बना है, उनकी याद में ज़ोर से एक सल्यूट करते हैं नाज़े हिंद की तरफ। प्लीज़ कैमरा में भी देखिए और ज़ोर से सल्यूट मारिए और उनको एक मिनट के लिए याद कीजिए आँखें बंद करके। उन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए और ऐसे कितने फौजियों ने शहादत दी हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए, हमारी मुल्क की गरिमा को बचाने के लिए, आबरू को बचाने के लिए इन्होंने शहादत दी ताकि हम हिफाजत से रह सकें और इनको हमेशा याद करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो, अच्छे से पढ़ो लिखो, बड़े अफसर बनो, इनफैक्ट देश के बाहर जाके भी देश को प्राउड करो और कश्मीर में तो आप लोग हो ही। तो दोस्तों जब आप लोग मछल सेक्टर में आओगे आप इतने प्यारे प्यारे बच्चों से भी मिलोगे। आप लोग बोलना चाहते हो देश के लोगों को कि वो आए और आप लोगों से मिलें? यस मैम। अब इनकी बात आपको माननी पड़ेगी और आपको यहाँ भी आना पड़ेगा। तो नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद हैं, ये भी शायद आप यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं। हाँ सर, घूमने फिरने आए। आपका नाम सर? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान साहब, आप बताइए कि पहले तो आप बताइए इस चांद जैसी जगह पे जो ये 100 फीट का तिरंगा है उससे यहाँ पे सबको चंद्रयान याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि चंद्रयान के बारे में जब आप सोचते हो आपको कैसा महसूस होता है? हम बहुत खुश हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे जा रहा है, कि चांद पर पहुँच गया है, तो हम इसमें बहुत खुश हैं, हम शुक्रगुजार हैं, हम खुश हैं कि हमारा हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है। आप जैसे बुजुर्ग जब दुआएं देंगे तब हम और तरक्की करेंगे, तो आप प्लीज़ दुआएं हमारे साइंटिस्ट पर। हाँ बिल्कुल सर, हम दुआएं देते हैं उसके लिए। हाँ हम तो खुश हैं सर। तो नाज़रीन इस वक्त मैं नाज़े हिंद के सेल्फी पॉइंट पे हूँ, ये देखिए ये कितना खूबसूरत सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से आप वादियों के नज़ारे भी देख सकते हैं। ये नज़ारे मतलब अनबीटेबल हैं, इतने वर्जिनल, इतने खूबसूरत नज़ारे। और मेरे साथ यहाँ पर एक मौजूद है एक खातून, आप अपना नाम बताइए। निहर जान। निहर जान, आप यहीं की लोकल हो या ये कहीं और से आई हो घूमने? नहीं मैं यहीं की हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ निहर, आपके चांद जैसे इलाके में जो यहाँ पर नाज़े हिंद है उससे चंद्रयान याद आता है, तो आप मुझे बताइए चंद्रयान को लेकर आप क्या सोचती है? मैं ये सोचती हूँ कि इन चार मुल्कों में से एक मुल्क हमारा इंडिया है जो आज इतनी तरक्की पर पहुँच चुका है कि वो भी चंद्रयान पर पहुँच चुका है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे आगे के ये बच्चे ये सब हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये भी इतनी तरक्की पर पहुँचे कि ये भी चंद्रयान पर पहुँच जाए और हमारा इंडिया इतना रोशन हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बताओ निखत की
इस खूबसूरत इलाके में अगर लोगों को आना है, नाज़े हिंद तो है ही, ये खूबसूरत वादियाँ तो है ही, और क्या क्या देख सकते हैं वो? यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हसीन वादियाँ हैं, ये कलरू से 25 किलोमीटर दूर है। मैं ये चाहती हूँ कि सब टूरिस्ट यहाँ आने चाहिए, घूमने चाहिए, और यहाँ ये हसीन वादी और ये ठंडा साफ पानी, हवा अच्छी साफ, यहाँ पर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से यहाँ अच्छी तरह से घूमें और फिरें, यहाँ पर देखें कैसा अच्छा अच्छा नज़ारा है। थैंक यू सो मच निकट। जो निकट ने बोला वो बात सच है। मैं आपको बता दूं कि नंगा पर्वत जो 8th हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया की, वो यहाँ से आपको दिखता है। वैसे आज थोड़ा सा फॉग है तो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि LOC से ये जगह जो है वो सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो एक मछल गांव आएगा जहाँ मैं आपको ले जाऊँगी, वहाँ भी हम लोगों से बात करेंगे और उसके बारे में भी पता करेंगे, जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका कल्चर क्या है, उस बारे में भी हम पता करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं अब नाज़े हिंद से उतर के नीचे मछिल गांव की तरफ आई हूँ। तो सही हॉस्पिटल में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो इस रूम में है, चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो ये रूम है। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जिस तरह की मशीनरी मौजूद है वो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं दिखेगी। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस मशीन है। तो आइए मैं आपको कुछ समझा दूँ कि ये किस तरह से चलता है। तो यहाँ पर जो है पेशेंट आकर इस सीट पर बैठता है और फिर यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाती है, उसकी हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब उसकी एंट्री हो जाती है। फिर यहाँ से जो है वो अपना ब्लड प्रेशर और शुगर, ये इन सारी चीज़ों की टेस्ट यहाँ से हो जाती है और हर एक चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो पेशेंट है वो ऑनलाइन ही कनेक्ट हो जाता है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ वो एक तरह से एक वीडियो कॉल पर होता है इसी मशीन के ज़रिए, और वहाँ से वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन भी देती है उसको। प्रिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से प्रिंट होकर बाहर आता है, और उस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन होता है। वो उस प्रिस्क्रिप्शन में वन टाइम स्कैन कोड होता है, उस स्कैन कोड को वो यहाँ पर लगाता है इस तरह से, और यहाँ से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, जो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की गई है वो यहाँ से निकल कर आती है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की मेडिकल टेक्नोलॉजी कहीं मौजूद नहीं है। तो अभी मैं इस तरफ आई हूँ, यहाँ पर OT है, ऑपरेशन थिएटर। आप देखिए ये कितना साफ सुथरा है, मेडिकली इक्विप्ड है, यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी अपडेटेड है, अपग्रेडेड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ मौजूद है। सो यहाँ पर जो है मछिल के लोगों के लिए मेडिकल कॉस्ट, मतलब के ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़ीरो है, ज़ीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो यहाँ अपना इलाज कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर फरमान की गई है मछिल के लोगों के लिए, थैंक्स टू गौरी फाउंडेशन, थैंक्स टू उम्मीद फाउंडेशन। तो दोस्तों, मैं नाज़े हिंद से नीचे की तरफ आई हूँ मछिल के गाँव में। तो मैं आपको बता दूं, मछिल जो है ये वर्ड दार्दिक लैंग्वेज से आया है। दार्दिक लैंग्वेज जो है शीना लोग बोलते हैं, और शीना लोग गुरेज से आए थे यहाँ पर 18th सेंचुरी में। इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी सेटलमेंट बना दी, अपनी बस्ती बना दी। आज यहाँ पर कुछ 13 विलेजेस हैं और 16,000 फैमिलीज रहती हैं मछिल विलेज में। और यहाँ पर यहाँ इस जगह का नाम मछिल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन ट्राउट फिश मिलती है, जो बहुत ही रेयर स्पीशी होती है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की नेचुरल रिसोर्स जो है गोल्डन ट्राउट फिश, उसको किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है आमदनी मिले और रेवेन्यू मिले। यहाँ पर फिशरीज़ बनना बहुत ज़रूरी है ताकि इस नेचुरल रिसोर्स का फ़ायदा उठाया जाए। मैं आपको बता दूँ, मछिल पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर रोड्स बहुत ही फैंटास्टिक रोड्स हैं, कुपवाड़ा से 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ पर बाई रोड, तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और आपके जहाँ तक रहने का इंतज़ाम की बात होती है, तो यहाँ पर लोगों ने, जैसे नाज़े हिंद पे लोगों ने कहा हमने अपने घर खोल दिए हैं टूरिस्ट के लिए, यहाँ पर होम स्टेज बहुत सारे हैं। मैं आपको एक होम स्टे का नज़ारा दिखाऊंगी, किस तरह की इंतज़ाम आप लोगों के लिए किए गए हैं ताकि आप लोग मछिल सेक्टर में आकर अच्छे से और आराम से रहें। तो मेरे पीछे एक होम स्टे है, आइए हम वहाँ चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? आप ठीक है? बस शुक्र अल्लाह। आइए बैठिए। आपका ये जो घर है ये आपने होम स्टे बनाया है टूरिस्ट के लिए? हाँ, तो आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी साहब, आप बता सकते हैं कि होम स्टे कैसा लगता है, हम अंदर जाके देख सकते हैं ताकि हम अपने नाजरीन को दिखाएं कि आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं इनके लिए? जी आप आ सकते हैं। आप चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना कंफर्टेबल है, यहाँ पर मैटिंग की हुई है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं फैमिली टाइम के लिए, यहाँ चाय पी सकते हैं। यहाँ जो विंडोज़ हैं, आप विंडोज़ के अगर बाहर देखेंगे आपको इतने खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। यहाँ से देखिए पूरा पहाड़ दिख रहा है, मैं इसको खोल देती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने में कितना मज़ा होता होगा, आप खुद ही सोचिए। इतनी खूबसूरत यहाँ पर व्यू देखिए कितनी अच्छी है, मतलब ये होम स्टे विद अ व्यू है। आइए देखते हैं हम और क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर वॉशरूम है, आप देखिए कितना क्लीन वॉशरूम बनाया गया है यहाँ पर टूरिस्ट के लिए। पानी वानी का यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं होता? कुछ नहीं। सो अंकल, ये बेडरूम है? हाँ जी बेडरूम है। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्तर नहीं लगाए गए? हाँ बिस्तर लग रहे हैं इसमें। बिस्तर लगाएंगे आप, मतलब आपके पास मैट्रेसेस हैं? जी, जी, तो सोने के लिए यहाँ पर ये जो होम स्टे के मालिक है गुलाम नबी साहब, इन्होंने यहाँ पर मैट्रेसेस भी रखी हुई हैं, पूरा बिस्तर है। आप देख सकते हैं ब्लैंकेट्स मैट्रेसेस सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर बहुत ही आपको, अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको एक गांव वाली फीलिंग आएगी, यू नो, जो नीचे ज़मीन पे सोना और एक गांव में रहना, गांव के घर में रहना, पीस शांति सुकून। यहाँ पर ना आपको ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, ना आपको यहाँ पर इंटरनेट की रेडिएशन आएगी। इंटरनेट वैसे यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर एयरटेल का टावर भी है और जियो का टावर भी, जियो का भी टावर है। तो यहाँ पर मैंने जो महसूस किया, यहाँ पर इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपको शोरगुल शहरों में मिलता है वो यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ सुकून की जिंदगी मिलेगी। अच्छा, तो गुलाम नबी साहब ये बताइए, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए खाना भी अवेलेबल है? हाँ जी खाना अवेलेबल है इनके लिए, जैसे वो खाएंगे उनकी चाहत होगी वैसे मिलेगा उनका खाना। अच्छा, तो और आप लोग जो घर में बनाते हो वो भी खिलाएंगे? वो उनको भी खाते हैं। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर कौन सी डिशेस अच्छी बनाती है आपकी मिसेस? हम तो मतलब यहाँ के जो कश्मीरी खाना होता है, जैसे हाथ की रोटी बनती है, चाय बनती है अच्छी तरीके से, और यहाँ अपना मतलब दूध भी हो रहा है। हाँ, गांव के दूध की चाय। हाँ, वो तो बहुत अच्छी होगी। तो कोई मैकस भी नहीं होता है। हाँ, ये तो ऑर्गेनिक गांव का खाना, गांव का चिकन, गांव का दूध, तो आप सोचिए इसमें कोई मिलावटें नहीं होती आपको, है ना? हाँ, किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती है ना, क्लीन खाना आपको यहाँ पर मील्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए गुलाम नबी साहब कि एक दिन का यहाँ पर मील्स के साथ कितना मतलब प्राइस क्या है, तो रूम के रेट्स क्या है एक दिन का यहाँ पर रहने के लिए? 1500 रुपये होते हैं। 1500 में दो मील्स आते हैं शायद ना? हाँ, दो मील, दो मील्स के साथ 1500। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जो सुकून भरी ज़िंदगी है और मील्स है उसके लिए मुझे लगता है 1500 रुपये बहुत कम है, लेकिन इनके दिल हमेशा खुले हैं टूरिस्ट के लिए। हम हाँ आना चाहते हैं इनके लिए, हम यहाँ उनको वेलकम करते हैं ताकि आएंगे तो दुनिया में, मतलब ये हमारी कुरान में लिखा है जो दुनिया मैंने बनाई है इसका तो शेयर करो। हाँ, यानी ऊपर वाले ने ये लिखा, मैंने कैसे ये बनाई है, इस खूबसूरत दुनिया को देखो जो मैंने बनाई है, जैसे ये फिजा है, कौन सी मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं जाती, पावर कट्स वगैरह ना? वैसे तो कट जाते हैं लेकिन उतना नहीं, उतना नहीं, मतलब मैक्सिमम अगर कट जाते हैं तो 10 मिनट या 5 मिनट बस बस बस। तो सोचिए दोस्तों, ऐसा गांव है, गांव वाली फीलिंग है, गांव वाली जिंदगी है, मगर आपको तकलीफ यहां कोई नहीं होगी ना, किसी किस्म का तकलीफ नहीं होता है ना, किसी किस्म का तकलीफ नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप गुलाम नबी साहब के बेटे हैं जिनका ये घर है? हाँ हाँ, मैं गुलाम नबी वानी का बेटा हूँ, मेरा नाम अब्दुल हनान वानी है। अब्दुल रहमान वानी, अब्दुल हनान वानी, अब्दुल हनान वानी। हनान, मुझे ये बताओ कि चंद्रयान के बारे में आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा कि इंडिया का चौथे नंबर पे चंद्र नंबर चढ़ा है और बहुत ही अच्छी फील हुई कि आपको फख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क का स्पेसशिप बहुत ही अच्छा लगा मून पे चला गया। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा जब हमने वो सुना। महकी महकी बारिश और मेरे पीछे मच्छल नाल, आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी स्ट्रीम है, नदी है मेरे पीछे जो फ्लो हो रही है, मेरे पीछे का नज़ारा ज़रा देखिए आप। अब आपको लगेगा कि मैं क्यों बता रही हूँ आप सबसे कि आपको मच्छल आना कितना ज़रूरी है। आप देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ब्रिज, सारे नज़ारे हैं मच्छल में। मेरे पीछे जो है वो शिवाजी की खूबसूरत सुनहरी स्टैचू है
शिवाजी महाराज की, और यहाँ के लोकल्स ने ये मांग की थी कि यहाँ पर एक हिस्टोरिक साइट बनाया जाए। ये एक वॉर मेमोरियल है दोस्तों, और शिवाजी की फतेह जहाँ हुई थी रायगढ़ फोर्ट के ऊपर, उसकी ट्रिब्यूट में ये वॉल बनाई गई है। आप देख सकते हैं रायगढ़ फोर्ट की तरह ही है। और आपको शायद पता होगा कि शिवाजी महाराज जो हैं वो पहले वॉरियर थे इंडिया के जिन्होंने नेवी का आगाज़ किया था, तो इसीलिए उसकी याद में यहाँ पर यहाँ पानी इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे लाइटें होती हैं शाम को, आप देख सकते हैं एक छोटी सी नहर भी, बोट भी वहाँ पर रखी हुई है उनकी याद में। यहाँ पीछे जो है एक प्यारी सी दरगाह है, पीर मोहम्मद साहिल शाह की ये दरगाह है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हम इसके भी नज़ारे देखेंगे। ये जो दरगाह है यहाँ पर लोकल्स आते हैं हर थर्सडे को दुआ मांगने के लिए, और आप भी यहाँ आ सकते हैं इस खूबसूरत दरगाह को देखने के लिए। एक छोटी सी दरगाह है लेकिन एक यहाँ पे जो फीलिंग आएगी आपको, एक मिस्टिकल सूफ़ी कश्मीरियत वाली फीलिंग, उसको भी आप मत मिस करिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, मत्स्य में देखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने आपको मत्स्य नार दिखाया, वो खूबसूरत सी नहर जो वहाँ से बह रही थी। मैंने आपको यहाँ के पहाड़ दिखाए, मैंने आपको यहाँ के होमस्टेज दिखाए, ये खूबसूरत वॉर मेमोरियल, शिवाजी का स्टैचू, और यहाँ पर पीर मोहम्मद शाह की दरगाह। आइए हम इसके भी कुछ नज़ारे देखते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ इख्तिताम होता है मेरे इस शो का। आई होप आपको मेरा ये शो अच्छा लगा होगा। मत्स्य सेक्टर के बारे में और कश्मीरियों का जो रिएक्शन चंद्रयान को लेकर है उसके बारे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मत्स्य जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको आना ही आना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ आने से पहले ज़रूरी है कि आप JK टूरिज़्म वेबसाइट पे जाके परमिशन ले लें, ऑनलाइन परमिशन, इसको एक दिन लगता है। तो आने से पहले ये सारी चीज़ें आप रेडी रखना, परमिशन भी रेडी रखना, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। और आप मेक श्योर करना कि जिस होम स्टेज का मैंने जिक्र किया उस होम स्टेज पर आप ज़रूर रहें। आप सिर्फ डे ट्रिप के लिए नहीं आना, शाम को भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिस नाज़े हिंद का मैंने जिक्र किया था उस नाज़े हिंद को आपको शाम को भी देखना है। जैसे वहां पर सनसेट होता है और जैसे शाम को वहां पर लाइटें लगती हैं, आपको वो नजारा बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। और रही बात होम स्टेज की, तो उनको कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको होम ओनर्स के नंबर्स छोड़े हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय कश्मीर, जय हिंद। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था याना मीर का, और एक कश्मीरी वुमन, एक ब्रेव वुमन और सच्ची देशभक्त है, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका वीडियो होता है। हम हमेशा से इनका वीडियो देखते आए हैं और इनकी जो सोच है उनको हम सलूट भी करते हैं। और देखिए, यही स्पिरिट होना चाहिए कि आप अपने देश से इस हद तक प्यार करो कि उसकी जो तरक्की है और उसके तरक्की के में शामिल होने वाले हर एक चीज़ के लिए आप तहे दिल से खुश हों, फिर ही लगता है कि आप वाकई में सच्चे देशभक्त हैं। तो यही चीज़ है कि ये जो कश्मीर था, इसके जो हालात थे, ये भी हमसे ढके छुपे नहीं थे एक टाइम पे, लेकिन अब देखें जिस तरह से, मैं तो दिलो जान से खुश हूँ कि कश्मीर में इस हद तक तब्दीली आई है और कश्मीर के लोग खुश हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही खुश होना चाहिए, जगमगाता रहना चाहिए, और ऐसे ही हमारा पाकिस्तान भी खुशहाल होना चाहिए, तरक्की और अमन पसंद होना चाहिए। इसमें जो कमियां कोताहियां देखिए, अगर कश्मीर बदल सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बदल सकता, पाकिस्तान को भी बदलना चाहिए। तो खैर, वो तो हम पे है, हम किस तरह से उसको बदलते हैं, क्या क्या उसके लिए करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, मज़ा आया देख के। एक तो खूबसूरती इतनी ज़्यादा कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादलों में घूम रहे हैं, 100 फीट का तिरंगा लगा हुआ है, और वहाँ पे शहदा की यादगार है जहाँ सलूट किया जा रहा है। तो वाकई में ये जो शहदा होते हैं, यही हमारे खून से इस धरती को जो हम आज़ादी से घूमते हैं उसको अपने खून से रंग देते हैं और हमारा फख्र बन जाते हैं, यही चीज़ है। और उनको सलूट किया गया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा ये भी। और लोगों से बातचीत जो की गई कि वो कैसे हैं, किस तरह से हैं, अब देखिए अनएक्सप्लोर जगह है, लोग अभी तक वहाँ पे नहीं गए, लेकिन जिस तरह से टूरिज़्म अब बढ़ रहा है कश्मीर में, यहाँ कोना कोना तक लोग पहुँचेंगे, होटल्स बनेंगे, लोगों की आमदनी रोज़गार में इजाफा होगा, खुशहाली आएगी लोगों को। घरों में देखो दो दो तीन तीन कमरे ऐसे बनाए हुए हैं कि मेहमान आए इधर तुम्हारे घर में रहें, हम उनको उनकी
जाहिर है वो एक जबरदस्त मेहमान नवाज कौम है। कैसे यार वो कह रहे हैं वो जो यहाँ से दो दफा होके फैमिली के उन्होंने बताया था वो अभी भी याद करते हैं कि यार उन्होंने हमारी ऐसी खातरदारी की थी यार। ऐसे जी वो प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन चंद लोगों ने उनको जो है ना शर्पसंद लोगों ने जो है ना उनको बरगराया हुआ था या रुमाल बनाया हुआ था। तो लेकिन जैसे ही उन शर्पसंद लोगों के ऊपर काबू पाया गया है तो आज देखिए हर तरफ अमन अमान के चर्चे हैं, हर तरफ जो देखे ये पहाड़ों के ऊपर सब्जा लहलहा रहा है और बादल जो है वो ऐसे बूंदाबांदी कर रहे हैं और कैसे वो देखे बादल छाए हुए थे, क्या खूबसूरत नजारा था। जो अब तिरंगे के ऊपर जो उन्होंने कैमरा मारा है तो वो सारे के जो व्यू बादलों में घिरा हुआ था, तो ये सारी चीजें यही खूबसूरती और जिस तरीके से इस खूबसूरती के अंदर अमन अमान का जो दौर दौरा हुआ है और लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानियां पैदा हो रही हैं और जिस तरीके से टूरिस्ट बढ़ रहा है तो ये आने वाले वक्त में और खुशहालियां लाएगा और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट और ज्यादा होगी। डेवलपमेंट देखिए डेवलपमेंट तो वहाँ पे शुरू हो चुकी है, वो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो आम आदमी जो आम कश्मीरी उसकी जिंदगी में जो विकास आ रहा है उसको देख कर भाई बहुत ही खुश होता है। हमारी दुआ है कि इसको जो है ना और जो है ना चार चांद लगे और ये तरक्की का जो सफर है ये और तेज हो। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है लेकिन कश्मीर को देख के हमारा जो है ना दिल खुश हो रहा है, कहीं तो कहीं ना कहीं तो अमन कायम हो रहा है। तो देखिए अगर पाकिस्तान में अगर अमन कायम करना है पाकिस्तान में भी एक टाइम आएगा, पाकिस्तान भी खुशहाली की तरफ जाएगा, पाकिस्तान भी अमन अमान की तरफ जाएगा। यहाँ जब अवाम को अल्लाह अकल सलीम अता बिल्कुल जी कभी ना कभी तो होगा जब एक हद तक जब इंसान बिल्कुल मरने के करीब आ जाता तो फिर जरूर हाथ पांव मारता है, ये नहीं कि अपने आप को मौत के हवाले कर दे। और यही जो पाकिस्तान में यहाँ महंगाई का एक तूफान है जो लोगों को मार रहा है, लेकिन देखिए अब लोग बाहर निकले हैं एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि वाकई में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, फिर ही कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएंगे जो हमारे इस मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। तो जिस तरह से कश्मीर में भी अमन अमान आया है, खुशहाली अब आना शुरू हो गई है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो कमियां हैं कोताहियां हैं उनको दूर किया जाए और एक खुशहाल मुल्क बन सके। आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आया इसको देख के, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।